स्केच में, जो स्केच मैं इस नए प्लेन पर क्रिएट कर रहा हूँ, जो स्केच मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। नॉर्मल टू, मैं इसको तहजीब, मैं क्या रिपीट करूँ एक बार बताएं आप। तहजीब, वो तो मैं आपको कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। बट कैसे मैं टूल यूज करूंगा वो आपको बता रहा हूँ। नहीं, दो होल नहीं बता सकता, आई एम सॉरी, बताऊंगा, थोड़ा टाइम आना था। पहले टूल को समझें प्लीज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करें, अभी सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। हियर, मैंने इस प्लेन पर मैं काम कर रहा हूं और यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इन एजेस को यहां पर स्केच क्रिएट करना है विद द रेफरेंस ऑफ दीज एजेस। तो उस केस में हम टूल को यूज करेंगे जो मैं अभी बता रहा था आपको। द टूल नेम इज प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट। आप यहां पर क्लिक करें प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट। आपने किस किस एज को क्रिएट करना है, सभी को करना है। क्लिक ऑन द पॉइंट, आप देखें यहां पर आपकी सभी एजेस आ चुकी हैं लाइक दिस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा प्लेन है। विद द हेल्प ऑफ दिस एजेस, दिस एज और दिस एज, विद द हेल्प ऑफ दीज एजेस, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्केच ऑन द प्लेन। इन एज की हेल्प से मैंने प्लेन पर स्केच क्रिएट करनी है, इसलिए हम टूल को यूज करेंगे। सो सेलेक्ट ऑन द प्लेन, देन सेम गो टू स्केच एज वी आर डूइंग, एंड हियर इसको हमने अप्लाई करना है। इसमें तीन टूल हैं हमारे। सबसे पहला टूल मैंने अप्लाई करना है, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट्स। क्लिक करेंगे यहाँ पर, आपने किस किस एज को एज अ स्केच रेफरेंस में यूज करना है, क्लिक करें इसको। आपने इसको भी करना है, आप दोबारा क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि आपका टूल सिलेक्टेड नहीं है। तो एक बार आप डबल क्लिक करें टूल पर, देन क्लिक हियर, सॉरी नॉट द एंटायर वन, अंडू, डिलीट ऑल, आई डोंट वॉन्ट। अभी ठीक, हम फिर ट्राई करते हैं एक बार, डबल क्लिक, देन क्लिक हियर, देन क्लिक हियर, देन क्लिक हियर। मुझे सिर्फ इनकी रिक्वायरमेंट है, सबकी नहीं है। मैं इसको नहीं चाहता, या मैं सब इसको भी चाहता हूँ, मैं क्लिक कर सकता हूँ इस एज को लाइक दिस, एंड यू कैन सी हियर, ये आपकी सभी एज आपका दूसरे प्लेन पर एज अ स्केच हम रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। देन क्लिक एग्जिट, वी विल हैव द स्केच लाइक दिस। लेकिन ये स्केच आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के साथ में, अगर मैं इसको चेंज करूंगा ये भी चेंज होगा। ये सब हम कल एक्सप्लेन करेंगे। टूल क्या यूज करना है, मेरा सिर्फ ये बताने का पर्पस था, किसी भी एज को किसी भी प्लेन पर एज अ स्केच यूज कर सकते हैं, ये पर्पस है मेरे इस टूल का। मेरे इस टूल का दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, दैट्स ऑल। दो टूल और हैं, बाद में देख लेंगे इनको, फिलहाल अभी नहीं देखते हैं। तो 3D एलिमेंट के बाद हम आगे बात करें कंस्ट्रेंट्स की आज थोड़ा, क्योंकि इस कैसे हमने पूरा करना है आज। एग्जिट करें, इनको डिलीट करें। मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता हूं, यहां पर चिल्ड्रन भी जाएगा तब डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा, एरर देगा आपको। कल देंगे इन सबको डिटेल में, आज तो ऑल राइट।
अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं नेक्स्ट टूल हमारा। नेक्स्ट टूल इज माई स्केचर एंड रेफरेंसेस। रेफरेंस के बारे में आई थिंक सभी को आइडिया है, हम बता चुके हैं कैसे यूज करते हैं जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे, चाहे वो ज्योमेट्रिक हों चाहे वो डायमेंशनल हों। लेकिन थोड़ा सा आइडिया फिर से लेते हैं इसको फिनिश करने के लिए। सबसे पहला टूल होता है हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स। आपने यहाँ से डिफाइन करना है, जैसे एक मेरे पास एक लाइन हम लेते हैं सपोज कहीं भी, सपोज दिस इज माय लाइन। एक सर्कल भी बनाते हैं कहीं, सपोज दिस इज माय सर्कल। इसने कंस्ट्रेंट ले लिया, मुझे नहीं देना है, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं कंस्ट्रेंट्स को। अगर हम किसी भी पॉइंट पर क्लिक करते हैं, आप देखते हैं यहां पर क्लिक करने के बाद आपको मैक्सिमम पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स आपको शो होंगे, केवल फिक्स कर सकते हैं। अगर हम लाइन पर क्लिक करते हैं, फिर यहां क्लिक करें, लाइन के साथ में जो जो कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे सामने वो शो होंगे, वो शो होंगे। जैसे आप किसी लाइन को हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, आप किसी लाइन को वर्टिकल कर सकते हैं, आप किसी लाइन की लेंथ डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मैं किसी सर्कल को लेता हूं तो जो जो सर्कल के कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं वो कंस्ट्रेंट्स आपको शो होंगे। किसी भी सर्कल को आप रेडियस और डायमीटर डिफाइन कर सकते हैं केवल। अगर मैं कोई भी सर्कल या कोई भी लाइन लेता हूं तो उनके बीच में जो जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकते हैं केवल वो पॉसिबल होंगे। हम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, हम उनके बीच में डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, हम रेडियस एंगल डिफाइन कर सकते हैं, हम टेंजेंसी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम लोग कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हैं। यूज हियर, प्रेस कंट्रोल, देन यूज हियर। आपने इसको मिड पॉइंट पर डिफाइन करना है, आप इसको लेकर आ सकते हैं। आप एक आर्क को लेते हैं, दूसरा आप सेकेंड आर्क को लेते हैं, इनके बीच में जो जो रिलेशंस बन सकते हैं इनका रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। ये कोइंसिडेंस हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक हो सकते हैं, टेंजेंट हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स हमेशा मिलेंगे, आप उनको ट्राई कर सकते हैं जब भी आप कोई भी ज्योमेट्री बनाते हैं। आई थिंक आप लोग पिछले 4-5 दिन से बना भी रहे हैं। देन कैंसिल। नेक्स्ट आता है मेरा, एक बार थोड़ा सा सिमेट्रिक और बता दूं। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सिमेट्रिक करना चाहता हूं इस साइड को। सेलेक्ट हियर, सेलेक्ट द लाइन, प्रेस कंट्रोल, सेलेक्ट द लाइन एंड देन सेलेक्ट द एक्सिस एंड यूज हियर सिमेट्रिक। ये क्या हुआ, ये तो लाइन यहां पर आ गई। इसका मतलब यहां पर मेरा ऑलरेडी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट। अब इसको हटाएं सबसे पहले। आई कैन, अभी भी नहीं मूव होगा। अच्छा ठीक है, एक और कौन सा कंस्ट्रेंट है जो मेरा यहां पर होगा। एक मेरा वर्टिकल लगा हुआ है इसके साथ में। जी बिल्कुल, अब मैं इसको हटाऊं। हाँ ये हट रहा है, अब ये पॉइंट्स मेरा नहीं हट रहा है। आप क्लिक करें पॉइंट पर, आपका क्लिक करें यहाँ पर, कोई कंस्ट्रेंट शो नहीं हो रहा है।
मैंने इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। अब देखें एक बार, अभी भी मूव नहीं कर रहा है। कोई कंस्ट्रेंट अभी और है जो इसके साथ लगा हुआ है? एक्चुअली इसने कोइंसिडेंस ही लिया होगा यहाँ पर। ये प्रॉब्लम आती है हमेशा थोड़ी सी, आप इसको डिसलेक्ट नहीं कर पाते जल्दी से, स्पेशली कोइंसिडेंस के साथ। हम एक काम कर सकते हैं, आप इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं हम, और हमें एक लाइन और क्रिएट कर सकते हैं जो कि इसको हम बना सकते हैं। देन अप्लाई कॉन्सेंट्रिक, तो थोड़ा थोड़ा सबको मूव कर लें ताकि कुछ ज्योमेट्री डिस्टर्ब ना हो, या फिर आप पहले कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई करूँगा और नॉट एंगल, डबल क्लिक, अप्लाई हियर, अप्लाई हियर ऑल्सो, अप्लाई हियर, अप्लाई हियर, अप्लाई हियर। ठीक है, इसको डिफाइन किया मैंने। अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, सेलेक्ट लाइन। हाँ जी, यही है अन्ना अन्ना यातुन। देन दिस वन अप्लाई हियर, सिमेट्रिक सिमेट्रिक अप्लाई होगा, यू कैन अप्लाई। ये कितना है मेरा? 2 है। ये कितना है मेरा? 3 है। अभी मैंने दोनों को सेम रखना है, तो आपने इस पॉइंट को भी सिमेट्रिक करना होगा। अप्लाई हियर सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू दिस वन, सिमेट्रिक। जैसे मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर एक ओवर कंस्ट्रेंट मिलेगा, आपको देखना अभी। क्लिक हियर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर 2 डिफाइन हुआ है, और यहाँ पर मैं सिमेट्रिक अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जो कि मेरा पॉसिबल नहीं है। या तो मैं सिमेट्रिक अप्लाई नहीं कर सकता, या ये दोनों 3 और 2 नहीं हो सकते, या तो दोनों 2 होंगे या दोनों 3 होंगे। तो आपने यहाँ से मैंने किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा। मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, लेकिन मुझे किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा, देन इट विल बी ओके। कुछ समझ में आया? हम कैसे चेक करते हैं ओवर कंस्ट्रेंट्स, और जब हम अप्लाई करते हैं कहीं भी, जैसे एक लाइन है मेरी, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, अप्लाई किया कोई भी कंस्ट्रेंट्स, दिस इज माई 2, दिस ऑल्सो माई 2। अब मैं यहां पर इसको 4 अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो 2 + 2 = 4, अगर मैं यहां पर 4 अप्लाई करता हूं, दैट विल बी ओवर कंस्ट्रेंट्स। मीन्स अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अभी 2 को सपोज मैं करता हूँ 4, इट विल अफेक्ट ऑन द बॉटम लाइन। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इस 2 को मैं सपोज 3 करता हूँ, इट विल अफेक्ट हियर। अगर मैं इसको भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दूंगा, जो भी मेरा कंस्ट्रेंट होगा, उसके बाद मैं चेंज नहीं कर सकता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहीं तो आपके चेंज का इफेक्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, सपोज दिस ये ओवर कंस्ट्रेंट होगा, तो या तो मैं इसको डिलीट करूं, या इसको डिलीट करूं, या इसका जो हॉरिजॉन्टल है उसको डिलीट करूं, तब भी वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको 4 को सपोज मैंने किया 2, इट विल चेंज लाइक दिस। आपका 7 मेंटेन रहेगा, उसको एंगल चेंज कर देगा। तो हम इस ढंग से कंस्ट्रेंट्स को चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं हमेशा। आप लोग भी ध्यान रखें, सेम कंसेप्ट मेरा यहां पर अप्लाई हो रहा था। या तो मैं इसको 2 ना अप्लाई करूं, या इसको 3 ना अप्लाई करूं, या
सिमेट्री ना अप्लाई करूं, एक तो मैंने हटाना पड़ेगा, उसको मैं हटा दिया। अब इस लाइन को इसके साथ मैं चाहता हूं ये मेरी हॉरिजॉन्टल रहे, ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस लाइन को इसके साथ में चाहता हूं कोइंसिडेंट, मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। ओके, अभी कौन कौन से कंस्टेंट की रिक्वायरमेंट है चेक करें एक बार। ओके, इसकी ये डिफाइन किया मैंने, अब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। अब देख पा रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट फुल्ली कंस्टेंट है। आई थिंक हमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे यहाँ तक। तो हम लोग अप्लाई कर रहे थे डायमेंशनल एंड ज्योमेट्रिक भी, अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिक और देखते हैं। जैसे कि लाइन मेरे पास है, सपोज दिस एंगुलर लाइन, प्लीज गिव मी अ मिनट।